फ्रेंड्स, मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सबका हमारे चैनल माइंड्स मैजिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम इतनी टेक्निक्स कर रहे हैं, हम सारे टेक्निक्स करते हैं, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी टेक्निक्स कुछ वर्क भी कर रही है या नहीं, या हम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, राइट? लोग, बहुत से लोग होते हैं जो पूछते हैं कि हम इतनी टेक्निक्स कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा। हमें क्या पता चलेगा कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम ऐसे ही बस टेक्निक्स पे टेक्निक्स किए जा रहे हैं? तो उसका एक इलाज है, जैसे ही आप टेक्निक्स करते हो ना, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी टेक्निक्स वर्क कर रही है, यूनिवर्स में फैल चुकी है आपकी वाइब्रेशन, धीरे धीरे यूनिवर्स तक आपकी बातें पहुँच रही है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये इस तरह से पता चलेगा आपको कि जैसे ही आप टेक्निक करना चालू करते हो, आपको कुछ दिन होते हैं, एक वीक या 1.5 वीक, तो आपको कुछ चेंजेस फील होने स्टार्ट होते हैं। सबसे बड़ी चेंजेस आपको आपके अंदर में ना थोड़ी पॉजिटिविटी आने लग जाती है। आपको लगता है कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, यस अब मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं हासिल कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये इजी है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड होने लग जाता है आपका। दूसरी चीज़, आपको बटरफ्लाईज दिखने लग जाती है। बटरफ्लाईज दिखने लग जाती है, ये यूनिवर्स का साइन होता है कि आपकी विश मैनिफेस्ट हो रही है, धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशंस जा रही है यूनिवर्स तक। आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि आप कुछ कर रहे हो उसके कारण ही दिख रहे हैं। आप अपनी विश से रिलेटेड अपनी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज रहे हो, इसीलिए आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं विक्ट्री के, कि नहीं आप अलाइनमेंट में हो रहे हो, अपनी विश से रिलेटेड अलाइनमेंट में हो रहे हो, आपकी विश अलाइंड हो रही है धीरे धीरे आपकी लाइफ में। तो ये इस तरह के साइंस आपको मिलने चालू होते हैं, तब आपको समझ जाना है कि मेरे विश, मेरे टेक्निक्स, मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी विश के लिए, वो काम कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है कि वेस्ट हो रहे हैं। हाँ, पेशेंस चाहिए आपको, ये पक्का नहीं है कि कब मिलेगी आपके विश आपको, बट जब भी मिलेगी बेहतरीन तरीके से मिलेगी। अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं, मतलब आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जा रही है, आपकी विश यूनिवर्स तक पहुंच रही है, और धीरे धीरे यूनिवर्स उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, उस चीज़ के प्रोसेस में लगे हैं। योर विश इज टोटली इन वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स कि हो रहा है, जब कोई रॉ मटेरियल हम लेके आते हैं, उसका जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उससे पहले वो वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक। तो आपने रॉ मटेरियल भेजा है यूनिवर्स में, नाउ यूनिवर्स इज इन वर्क इन प्रोग्रेस मोड, एंड धीरे 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 आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपकी विश बेहतरीन तरीके से आपके पास भेज दी जाएगी। ओके, तो यही थी कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपकी विश काम कर रही है, आपकी टेक्निक्स काम कर रहे हैं। यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग, पॉजिटिविटी से रिगार्डिंग कोई भी और वीडियोस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उन चीज़ों पे वीडियो बना दूंगी। बट वो मैनिफेस्टेशन से, पॉजिटिविटी से, लाइफ को बेटर बनाने के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। कुछ एक दो दिन पहले किसी लड़की ने, किसी मधु अग्रवाल नाम की लड़की ने कमेंट किया था कि दीदी प्लीज़ अब ब्रेकअप को लेके ना रोते हुए फीलिंग्स के साथ वीडियो बनाओ। तो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ डियर, ये चैनल पॉजिटिविटी से रिलेटेड है, मैं पॉजिटिविटी फैला रही हूँ, मैं खुशियाँ फैला रही हूँ, लोगों को अपने काम जिनके नहीं बन रहे हैं उनको हेल्प कर रही हूँ, मैं उनको और रुलाने के लिए इस चैनल पे नहीं आई हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप किसी और चैनल को देखिए, किसी और चैनल की ये चैनल आपकी इस रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकता। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट दिस चैनल इज फॉर पॉजिटिविटी। अगर आपको खुशियाँ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, देन दिस चैनल इज फॉर यू, और एल्स आपको ये रोने धोने वाली चीजें तो मिल ही जाएगी यूट्यूब पे, देख लेना। लव यू ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।